हेलो स्टूडेंट, देखिए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठहर सीबीगंज बरेली में। हम आपके लिए सीरीज में पार्ट वन पार्ट टू आपके लिए बना चुके हैं एक्सरसाइज 7.1 का। अब हम आपके लिए आज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन यहां पर कराएंगे आपके लिए उसी से आगे, इसमें आप ये देख रहे होंगे। तो यहाँ पर सवाल है आपके लिए, 10 तक मैंने करा दिए थे, आपका 11वां सवाल है। तो 11वां सवाल देखेंगे क्या है बच्चे। 11वां सवाल हम पढ़ के बता देते हैं। इसमें लिखा है, एक कक्षा में डेस्कों पर बैठने की व्यवस्था पर तीन विद्यार्थी हैं, एक रोहिणी है। इनका जो कोऑर्डिनेट है वो है, यहाँ पर रोहिणी है और दूसरी है एक, इनका नाम है संध्या और एक है बीना, ये इनका नाम बीना है और ये बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर तीन बिंदु जो दिए गए हैं वो ए बिंदु है 3.1 और बी बिंदु है 6.4 और सी बिंदु है 8.6। ये है 8.6 है। अब यहाँ पर बैठे हैं तो आप क्या कह सकते हैं कि ये तीनों एक पंक्ति में बैठे हैं। अगर ये तीनों एक पंक्ति में बैठे होंगे तो इनमें रिलेशन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ए बी प्लस बी सी बराबर में सी ए। ये तो क्या ऐसा एक रिलेशन आएगा जिसमें दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं के योग के बराबर, माने यहां पर जो दूरी आएगी वो बराबर होगी, दो के सम के एक तीसरी जो मात्रक दूरी होगी वो बराबर होगी। तो हमें ऐसे प्रूफ करना होगा अगर ये तीनों एक पंक्ति में बैठे होंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए से बी तक की दूरी निकालेंगे और बिंदु आपके यही दें। पहला बिंदु है आपके लिए 3.1, यहाँ पर 3.1 है पहला बिंदु, दूसरा बिंदु है आपके लिए 6.4 और तीसरा बिंदु है 8.6। अब निकालते हैं इनके बीच की दूरी। तो पहले मैं ए बी के बीच की दूरी निकालूंगा। ए का मान है 3.1, तो 3.1 है, बी का मान है 6.4, तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे। इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। तो बीच की दूरी निकाल लो, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस x1 का मान है यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी y2 का मान है 4 माइनस y1 का मान है 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 6 में से 3 गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया, तो यहाँ पर आपके लिए बचा 3 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गया 3 और 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 3 × 3 = 9 और प्लस 3 × 3 = 9, तो यहाँ पर रूट के अंदर 18 आ गया। ठीक है, रूट के अंदर 18 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, इसी तरीके से आगे करेंगे। तो देखिए रूट 18 आ गया। अब आप बी सी निकालोगे, तो बी से सी तक की दूरी, बी वाला कोऑर्डिनेट है 6.4 और सी वाला कोऑर्डिनेट है 8.6। ये 8.6 लिखना है यहाँ पर, ये बिंदु है 6.4 8.6। अब इनको भी मान लीजिए, इसको माने ये x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो यहाँ पर इसके बीच की दूरी निकालेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y2 का मान है 6 - y1 का मान है 4 स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया आपके लिए 8 में से 6 गया 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ 6 में से 4 गया 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया आपके लिए 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी रूट के अंदर आ गया 8। ये आ गया। इसी तरीके से अब आप यहाँ पर क्या दूरी निकालेंगे, अब आपके लिए आपको सी ए निकालना पड़ेगा। तो सी ए की दूरी निकालेंगे, इधर देखें ध्यान से, अब सी ए की दूरी निकालेंगे। तो हमने लिखा सी का बिंदु है 8.6 और ए का मान है 3.1, तो इनमें भी मानेंगे हम, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट के अंदर x2 - x1 यानी 3 - 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 1 - 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आया आपके लिए 3 में से 8 गए, यहाँ पर कितना बचा आपके लिए 5, तो माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस
छः में से एक गया तो यहाँ पर भी माइनस पाँच का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना हो गया, पचम पच्चीस और प्लस पचम पच्चीस, तो यहाँ पर आपके लिए कितना हो गया, पच्चीस सौ पच्चीस कितना हो गया, पचास, रूट के अंदर पचास आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दूरी दी गई है यहाँ पर पचास है रूट के अंदर, यहाँ पर रूट एट है, रूट एटीन है। तो यहाँ पर आप दो दूरियों को अगर जोड़ोगे तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आएगा, देखिए दूरी जोड़कर देख लो, ए बी, ए बी का मान कितना आया, रूट एटीन, ए बी का मान है रूट एटीन, प्लस बी सी का मान है आपके लिए कितना, आठ, रूट एट, बराबर में सी ए का मान है रूट फिफ्टी। तो आप ये देखिए, आप अंदाजा लगा चुके होंगे अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या रूट फिफ्टी के बराबर आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चे, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक जैसी वैल्यू आती तो हम रूट में जोड़ भी लेते हैं, तो हम बराबर भी दिखा देते हैं। जब ये नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि वो एक सीधी रेखा में, एक पंक्ति में नहीं बैठे हैं। कौन कौन, यहाँ पर नाम लिया था हमने आर एस बी, जो शॉर्ट में नाम लिया था, तो आप कह सकते हो यह संरेखीय नहीं है, या संरेखीय नहीं है, ठीक है। यह पंक्ति में ये लोग जो है, जो जिनका नाम था आर एस बी करके, शॉर्ट में हमने आपको बताया शुरू में, तो वो जो हैं एक पंक्ति में नहीं बैठे हैं। बात समझ गए होंगे आप, बहुत ही क्लियर सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। और आपके लिए पूरा हमने तीनों दूरी निकाली, दूरी निकालने के बाद उनको जोड़ा तो पता चला ये बराबर नहीं आ रहे हैं तीसरी भुजा के, तीसरे मात्रक के। तो इसका मतलब क्या है, ये जब दूरियां बराबर नहीं है जोड़ने के बाद, तो कह सकते हैं कि ये जो बिंदु हैं वो संरेखीय नहीं है, एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बारहवां सवाल है, तो यहां पर करेंगे। बारहवां सवाल है, क्या है मैं पढ़ के बता देता हूं। बिंदु दिए गए आपके लिए सात कौमा एक और तीन कौमा पांच, ये दिए गए हैं। कह रहा है कि को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक का समीकरण ज्ञात कीजिए। लंब समद्विभाजक यानी अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो ये सात कौमा एक है और ये तीन कौमा पांच, इसका लंब समद्विभाजक इस तरीके से है। तो हमें इस रेखा का समीकरण निकालना है, ये जो रेखा आपको दिख रही है ये वाली, इसका समीकरण आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है ये। आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या है, हमें इनके मध्य बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए यहां पर इसके बिंदु निकालने पड़ेंगे, इसको P मान लेंगे, ये x कॉमा वाई मान लेंगे, इसके मध्य बिंदु निकालिए। तो हम लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो हम पहला x निकालेंगे तो होता है x1 प्लस x2 बटे में दो कॉमा, और दूसरा होता है y बराबर y1 प्लस y2 और बटे में दो, ये होता है। तो अगर हम इसमें निकालेंगे तो हम इसको x1 मानेंगे और इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे और इसको y2 मानेंगे बेटा। तो x1 प्लस x2 यानी सात प्लस तीन बटे में दो हो गया, यानी सात तीन दस, दस बटे दो, दो पंजे दस, यानी पांच आ गया, कितना आ गया, पांच। इसी तरीके से y1 प्लस y2 बटे दो, यानी y1 का मान हमारे पास है एक और प्लस y2 का मान है पांच और बटे में कितना आ गया, दो, ठीक है। यानी पहले मैंने x1 प्लस x2 बटे टू करा, अब y1 प्लस y2 बटे टू कर रहा हूं, तो y1 का मान है एक और y2 का मान है पांच, तो पांच और एक कितना, छः। तो छः बटे में दो, दो से काट देंगे तो ये तीन आ जाएगा, यानी इसके बिंदु आ गए यहां पर आपके लिए पांच कौमा तीन, ये आ गए। तो हम लिख सकते हैं पी बिंदु आ गया है पांच कौमा तीन। अब इसके लिए हमें प्रवणता निकालनी पड़ेगी, इस रेखा की जो प्रवणता होगी, मैं ये मान के चलूंगा प्रवणता इसकी m है, तो ये m प्रवणता मान के यहां पर आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा प्रवणता m बराबर y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, ये होता है। अब आप क्या करेंगे, इन बिंदुओं को लिख लो, पहला बिंदु है सात कौमा एक, दूसरा बिंदु है सात कॉमा एक के बाद तीन कॉमा पांच, ये बिंदु है आपके लिए तीन कॉमा पांच। अब हमें इसमें प्रवणता निकालनी पड़ेगी m, इसको x1 मानो
इसको y1 मानो, इसको x2 मानो और इसको y2 मानो। तो m निकालने का इसकी प्रवणता m बराबर, तो निकाल लो भाई मेरे y2 माइनस y1, यानी y2 का मान है 5 माइनस y1 का मान है 1 बटे में x2 का मान है 3 माइनस x1 का मान है 7। तो 5 में से 1 गया 4 और बटे में 7 में से 3 गया 4 माइनस का, ये कट गया, माइनस का 1 आया। m बराबर माइनस का 1 आया, तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, जब हम लंब की प्रवणता निकालेंगे तो लिखेंगे लंब की प्रवणता तो बराबर में हो जाएगा m बराबर प्लस की 1। क्या हो जाएगी? प्लस की 1 हो जाएगी। और इसके लिए जो समीकरण होगा तो हम लिखेंगे p बिंदु कौन सा हमारा 5.3 पर रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो हम यहां पर रख देंगे y माइनस वाई वन का मान कितना है, तो वो 3 हो जाएगा, बराबर में m का मान कितना है 1 है, तो वो 1 रख दिया। x माइनस एक्स वन यानी x माइनस एक्स वन का मान हो गया 5। अब इसको सॉल्व कर लो जरा, तो सॉल्व करेंगे इसको बेटा, y माइनस 3 ऐसे ही रहेगा बराबर में x माइनस 5, एक की गुणा कराओगे तो x माइनस 5 ही बचेगा। तो हम क्या करेंगे, y और x को इधर ले आओ तो माइनस का x हो जाएगा बराबर में माइनस का 5, और ये 3 उधर चला जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 3, यानी y माइनस x बराबर 5 में से 3 गया 2, तो ये बचेगा आपके लिए माइनस का 2, यानी ये आ जाएगा y माइनस x बराबर माइनस 2, ये आ गया। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर गुणा करा दीजिए माइनस से, तो माइनस से गुणा कराएंगे ये जाएगा माइनस का बाई, ये प्लस का एक्स और बराबर में प्लस का 2 हो जाएगा, और इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस बाई बराबर में 2। ये हमारा समीकरण आ जाएगा लंब रेखा का समीकरण, ये इस तरीके से हमारा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हमने आपको बताया, और बहुत ही ये बेस्ट क्वेश्चन है, तो आप समझ लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तैयार कर लेना है इसको। देखते ही आप दो चार बार जब करोगे तो आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि जब आप वीडियो बार बार देखोगे तो आपके लिए ये चीज़ समझ में आएगी, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 कराए हैं इस वीडियो में, और ऐसे ही अब जब आप अगली वीडियो देखेंगे तो उसमें पूरी एक्सरसाइज लगभग जहाँ तक है समाप्त हो जाएगी, और इसी तरीके से आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन प्राप्त होते रहेंगे और आप वीडियो देखते रहेंगे। आई होप आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।